हिमाचल प्रदेश के सेब बहुल इलाकों में इन दिनों बगीचों में कटिंग प्रूनिंग तौलिये बनाना व पौधे रोपने का कार्य तेज हो गया है। बागवान काफी दिनों से बर्फबारी और बारिश की उम्मीद लगाए बैठे थे ताकि जमीन में नमी अच्छी हो और बागवानी कार्य आरंभ किए जाएंगे, लेकिन अब मौसम गर्म होते ही बागवान मजबूरी बस बागवानी कार्य करने में लग गए हैं। गर्मी बढ़ते ही पौधे सुप्त अवस्था में जाते हैं, इसलिए पौधारोपण व दूसरे कार्य करना जरूरी हो गया है। विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान समय मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पौधों में कटिंग प्रूनिंग के लिए अनुकूल है। इन दिनों कटिंग करने से पौधों में हीलिंग जल्दी हो जाती है। कटिंग वाले स्थान में स्थान का घाव जल्दी भर जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार उत्तम फसल पाने के लिए प्रूनिंग तकनीकी तौर से सही होना चाहिए ताकि बीमे भी बने और पौधों का ग्रोथ सामान्य बना रहे। बागवानी विशेषज्ञ एवं प्रगतिशील बागवान सुरेंद्र जरेट ने बताया कि प्रूनिंग वैसे तो लीफ फॉल के बाद कभी भी की जा सकती है, लेकिन फरवरी और मार्च का समय प्रूनिंग के लिए जरूरी उत्तम रहता है, क्योंकि जहां पौधों में कट लगता है वहां जख्म इस दौरान जल्दी बढ़ जाता है। अगर जल्दी कटिंग प्रूनिंग हो तो पौधों में कटिंग वाले स्थान पर जख्म रह जाता है। उन्होंने बताया कि प्रूनिंग इस हिसाब से की जानी चाहिए कि फसल भी अच्छी हो और पौधों का ग्रोथ भी बना रहे। अक्सर बागवान तकनीकी दृष्टि से सही प्रूनिंग ना कर पाने से फसल अच्छी नहीं ले पाते हैं। प्रूनिंग का तो निगी जी, प्रूनिंग का तो आजकल सही समय ये फरवरी का है, जो समय है ये बिल्कुल सही टाइम है प्रूनिंग का, क्योंकि ऐसा नहीं जैसे कट करते हैं ना, प्रूनिंग जहाँ भी कट लगता है फरवरी में करने से, फरवरी और मार्च में करने से वो हील हो जाता है, वो कट नहीं रहता, जख्म पूरा हो जाता है। अगर इसको आप नवंबर दिसंबर में करेंगे ना तो उसको कट जांक से कट करा होगा तो हील होने में बहुत टाइम लगता है, कई दफ़ा तो हील ही नहीं होता, तो या मोटा कट होगा जहाँ लगवाओ तो कट होके वो ख़राब हो जाता है। इसलिए सही समय है जो फरवरी में और मार्च में आजकल प्रूनिंग का बिल्कुल सही समय है। इससे क्या होता है कि वो जो जांक कट होगा लगवा तो वो हील हो जाता है, जल्दी हील हो जाता है। और दूसरा कट ये टेक्निकल काम है, आजकल हर एक आदमी प्रूनिंग का काम करता है, कोई भी हर आदमी माली बना हुआ है। उससे क्या होता है, कटिंग करेंगे जहाँ हर कहीं कटिंग करके वो ग्रोथ पे पेड़ जा रहा है, तभी तो बड नहीं बन पाता, बीमे नहीं बन पाते, क्योंकि वो पेड़ ग्रोथ पे ही जाता रहता है। इसलिए प्रूनिंग का भी प्रोसेस सही ढंग से होना चाहिए ताकि ऐसा है उसमें शूट भी निकले, ग्रोथ भी रहे और उसमें बीमे भी बने और ताकि क्रॉप भी आए और पेड़ में ग्रोथ भी रहे। बागवान रामलाल ने बताया कि आजकल प्रूनिंग कटिंग व पौधारोपण का काम जारी है, लेकिन हमें बारिश की कमी से परेशानी हो रही है, भूमि में नमी नहीं है और नए पौधे रोपने में दिक्कत हो सकती है। उम्मीद है कि आने वाले समय में बारिश व बर्फबारी होगी। मैं रामलाल चौहान एक्स आईटीबी से आया हूँ। आजकल बागवान में हम प्रूनिंग और प्लांटेशन का काम कर रहे हैं, मगर हमें थोड़ी सी अभी ये दिक्कत हो रही है कि बारिश आजकल आ नहीं रही है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही दुख हो रहा है। फिर भी अभी थोड़ी बहुत अगर बारिश आ जाएगी तो हो सकता है थोड़ी बहुत हमारे को फसल मिल जाए। बागवान ज्ञानचंद ने बताया कि हमारे यहाँ पर इलाके में आजकल सेब और दूसरे फलदार पौधों में खाद डाल रहे हैं और तौलिये बना रहे हैं। बागवान प्रूनिंग व प्लांटेशन कर रहे हैं। मौसम परिवर्तन की वजह से कई फलों में शीघ्र ही फ्लावरिंग शुरू हो गया है। बारिश और इन दिनों बारिश और बर्फबारी की अत्यंत आवश्यकता है। आजकल हमारे इलाके में सेब और दूसरे पौधों का फलारोपण हो रहा है और कटिंग प्रूनिंग सेब दूसरे फलों का प्रूनिंग हो रही है। दिक्कत ये हो रही है कि जितना किसान ने खाद डाली, तौलिये बनाए, पर बारिश नहीं होने की वजह से काफ़ी परेशानी लोग महसूस कर रहे हैं। हालांकि कई पेड़ों में फूल भी आ गए हैं जो कि अभी इतनी जल्दी नहीं आने चाहिए थे। गर्मी ज़्यादा हो रही है, किसानों को इस